नमस्कार दोस्तों, रियल इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने सुबह आज लाइव आकर के आप सभी साथियों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि कल शनिवार को सुबह 10 बजे सभी साथियों ने अंबाड़ा पहुंचना है पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, और वहां पर जाकर के सभी एमपीएसडब्ल्यू बेरोजगार साथी इकट्ठे होंगे और अपनी भर्ती निकलवाने के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के सामने अपनी मांग रखेंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि जल्द जल्द भर्ती निकाली जाए। इसको लेकर के जो है प्रधान जी की तरफ से एक मैसेज आया है, उस मैसेज में जो है प्रधान श्री रामवीर वर्मा जी ने सभी साथियों को बताया कि सरकार द्वारा जो एमपीएसडब्ल्यू मेल के 333 पद जो समाप्त किए जा रहे हैं, जब तक उनको बहाल नहीं किया जाता तब तक विभाग नई भर्ती के लिए प्रपोजल नहीं भेजने की बात कह रहा है। तो इस बारे में गत दिनों महानिदेशक द्वारा स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ के साथ बातचीत में स्पष्ट किया गया था, क्योंकि अभी विभाग ये तय नहीं कर पा रहा है कि शहरों में एमपीएसडब्ल्यू के पद समाप्त होने के बाद कुल कितने पद खाली हैं। तो इस बारे में स्वास्थ्य विभाग की प्लानिंग शाखा जहां पद समाप्त करने पर आमादा है, वहीं पर मलेरिया ब्रांच इन पदों को बरकरार रखने का प्रयास कर रही है। तो इसीलिए पद समाप्त न हो उसके लिए प्रयास करें, यदि पद बच जाते हैं तो एक बड़ी भर्ती जल्दी हो जाएगी, वरना रिक्त पद हैं 468, उनमें से भी 333 पद खत्म कर दिए, जिनको खत्म करने की बात कह रही है सरकार, तो टोटल जो 135 पद खाली रहते हैं, रिक्त रहते हैं। तो सरकार के नियम के अनुसार 10% पद रिक्त रखने होते हैं, 10% पद रिक्त रखेंगे तो भर्ती के लिए पद ही नहीं बचेंगे, तो ऐसे में जो है नई भर्ती संभावना जो है दोस्तों बहुत कम रहती है। तो प्रधान जी ने सुझाव दिया कि कल जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जब आप सभी साथी मिले तो वहां पर जो है पदों को बहाल रखने का मुद्दा जो है प्रमुखता से उठाएं और पद बहाल करने के लिए जो है स्वास्थ्य मंत्री जी से कहें। और दोस्तों, मैं अब आपको जो है बताना चाहता हूं कि इसके अलावा जो प्रधान जी ने अपना आंदोलन किया हुआ है, प्रत्येक ग्राम पंचायत से सरपंचों द्वारा जो प्रस्ताव पास करवा कर जो आगे भेजना होता है उसको लेकर के जो मेरे पास जो है 3-4 लेटर और आए हैं, वो मैं आपको बारी बारी से दोस्तों बता देता हूं। उसमें आपको दोस्तों बताऊंगा कि क्या कुछ जो है लेटर आए और कौन कौन सी तारीख के आए हैं दोस्तों, तो मैं आपको सभी बताऊंगा। तो मैंने जो है पहले आपको दिखाए थे दोस्तों 27 तारीख तक के जो मैं आपको लेटर जो है दिखा चुका हूँ दोस्तों, और 27 तारीख का मैं आपको जो है गंगाणा गाँव जिला सोनीपत का वो मैंने दिखा दिया था, और गाँव बरा खुर्द और अरिका और उसमें जो एक गांव और है कौन सा हमें उसे ध्यान नहीं है, तो उसमें जो है स्वास्थ्य केंद्र बनवाने को लेकर के जो है उसमें और स्टाफ की तैनाती लेकर के जो है वो भी जो लेटर जो है प्रधान जी जो आगे भेजा था वो जो आपको दिखा चुका हूँ। तो अब मैं 30 तारीख की बात करूँगा, 30 तारीख को मेरे पास जो आया था वो आया था वही जिला पलवल से ग्राम पंचायत कोट मिठाका गाँव से, जो कि प्रस्ताव पास होकर के आ चुका था और जो प्रधान जी ने इसको जो है 30 तारीख को जो है आगे भेजने का काम किया दोस्तों। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कोट मिठाका गांव जिला पलवल और ये नीचे जो सरपंच की मोहर और साइन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 31 तारीख को जो है क्या कुछ मेरे पास आया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप जो वीडियो को पूरी देखा करो और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। देखिए दोस्तों, ये गांव जो है किनाणा जिला जींद से भी जो प्रस्ताव पास होकर के आ चुका है और उसको जो है 31 तारीख को जो प्रधान जी ने आगे फॉरवर्ड कर दिया है, जो जहां भेजना होता जो इसमें 17 एड्रेस हैं उन सभी 17 एड्रेस पर जो प्रधान जी ने भेज दिया है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं आपको नेक्स्ट लेटर दिखाता हूँ, 31 तारीख तक के हो गए हैं, अब मैं आपको दिखाऊँगा भाई 2 तारीख को मेरे पास जो लेटर आया है, ये 2 तारीख को जो है ग्राम पंचायत तीतरम जिला कैथल द्वारा पारित प्रस्ताव ये आ चुका है दोस्तों। ये मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ दोस्तों, थोड़ा हाँ वीडियो तो लंबी बनती है लेकिन मैं जो है दिखाने पूरी कोशिश करता हूँ। ये रहा ग्राम पंचायत तीतरम जिला कैथल सरपंच की मोर साइन भी है और ये जो प्रस्ताव पास हो गया आ चुका है और आगे जो प्रधान जी ने इसको फॉरवर्ड कर दिया है। और अब मैं आपको जो लास्ट लेटर दिखाता हूँ जो मेरे पास पहुँचा है, ये जो है 3 तारीख को यानी आज मेरे पास पहुँचा है सुबह सुबह, तो ये जो है जिला जींद का जो मोरखी गांव है, तो वहाँ मोरखी गांव से प्रस्ताव पास होकर के आ चुका है दोस्तों। ये आपको जो है ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये ग्राम पंचायत मोरखी से प्रस्ताव पास होकर के आ चुका है। तो दोस्तों आप सभी साथियों से भी गुजारिश है कि आप भी जो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपने गांव से ग्राम पंचायतों से जो पास प्रस्ताव पास करवा के ज़्यादा ज़्यादा साथी मेरे पास भेजो ताकि मैं आगे प्रधान जी को फॉरवर्ड करूँ और प्रधान जी जो आगे इस पर एक्शन लें और आगे फॉरवर्ड करने का काम करें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक हमारे चैनल साथ बने रहो, देखते रहे रियल इंडिया आपका अपना चैनल। अगर आप वीडियो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि जो हमारी तरफ से जो वीडियो आती है वो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।